जी, तो हमारे साथ स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोहेल है। सोहेल जी, आज आपका फेयरवेल डे है। हाँ बिल्कुल जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई, अभी आपने एशिया टेलीकॉम में जब आए, आपने यहाँ पे फर्स्ट दिन से लेके अभी तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ, क्या क्या समझ में आया आपको? समझ में तो मैं बिल्कुल नया था इस फील्ड में जी, और जब किया तो हुआ और बहुत अच्छा, लगभग सबसे ज़्यादा हमने ही लिया है जी। तो आपने तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू डन किए? हाँ बिल्कुल, दो बार किए थे सर। तो 4G हैंडसेट से किए, कोई ऐसा कीपैड फ़ोन से? कीपैड से तो नहीं किए सर। 4G हैंडसेट से आपने पावर आईसी माउंट रिमाउंट, चौथे दिन सीपीयू डन किए, तीसरे दिन पावर। हाँ जी, है ना। और मैं जैसे कि देव सर की जो सेक्शन है मेन, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन हुआ, चार्जिंग सेक्शन हुआ, डेट डायग्नोस करना हुआ, वो सारा चीज़ आया आपको? हाँ, एक्सीलेंस नॉलेज एंड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों। हाँ, ऐसा तो नहीं कि खाली थ्योरी बता दिए बस आप समझ लेना, ऐसा कुछ हुआ क्या? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, देव सर के साथ तो कतई नहीं हुआ। ऐसा कोई क्लास हुआ जो आपका जो थ्योरी हुआ हो उसका प्रैक्टिकल ना हुआ हो? एशिया टेलीकॉम में ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ का आपको क्लास दिया जाता है, जिस चीज़ का थ्योरी होता है, उसी का आपका प्रैक्टिकल होता है? हाँ, 6 से 8 घंटे आप बिल्कुल उस पर पूरा स्टेप बाई स्टेप समझ पाए आप? हाँ, स्टेप बाई। डबल टेकर की बात करूँ तो आपको कैसे क्लीन करना है? हाँ बिल्कुल, YMD सर हमारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है। कैसे रिवॉल्विंग करना है उसको? हाँ, रिवॉल्विंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। किस तरीके से आपको फिट करना है, ये सारा चीज़ समझ पाए आप? हाँ सब। सॉफ्टवेयर का कैसा रहा आपका? सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं IT से हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा समझ में आया आपको। और MMC का क्लास कैसा रहा? AMMC बहुत ही एक्सीलेंट नॉलेज वाले मिलन सर। बिल्कुल आता, जीरो से सिखाया है सर। तो अभी आपका, जैसे कि मैं ब्लैक पेस्टेड IC लोग डरते हैं निकालने लगाने के लिए, तो आप अभी ब्लैक पेस्टेड का कैसा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी स्किल। इसी तरीके से आप निकाल पाएंगे? हाँ। क्लीनिंग प्रोसेस क्या होती है उसकी समझ पाएंगे आप? अरे समझ की है अभी हमने। किए हैं आपने, है ना, अपने हाथों से, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ बताया जाता है, जो चीज़ थ्योरी दिया जाता है उसका प्रैक्टिकल भी होता है कि नहीं? अभी आपको कोई लाइन में देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं या कोई भी, है ना, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो बात सीधी सी है, अगर आपको करना है तो सीधे एशिया टेलीकॉम आ जाइए। कोई शक किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, एक बेहतर भविष्य और बेहतर टेक्निक और बेहतर नॉलेज के लिए आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन। आपको एशिया टेलीकॉम से और क्या नोट्स मिला है बताइए? हमारे पास एक तो जो मैनुअली हमने बनाए थे जी जी, उसके बाद देव सर की और एशिया टेलीकॉम की सारी वीडियो नोट्स हुआ, आइडियो नोट्स है आपका, आपने बुक नोट्स भी किए हैं अपने, और PDF उपलब्ध कराई, क्योंकि आप अभी काम करेंगे, आप तो अभी तक आपने कुछ किया नहीं, आप फ्रेशर हैं, यहीं आने के बाद इतना सब चीज़ नॉलेज मिला, अभी आप जाएंगे काम करेंगे, किसी चीज़ में फंसते हैं तो आप किसी भी सेक्शन का आप वीडियो नोट्स उठा सकते हैं, उससे आप समझ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं जाते ही करूँगा, 3-4 बार वीडियो बिल्कुल करूँगा हर सेक्शन को। जी जी, तो मुझे बताइए आपको और क्या सजेस्ट करता है एशिया टेलीकॉम की, भाई यहाँ से पढ़ने के बाद, जाने के बाद, अगर आप किसी चीज़ में फंसते हैं, आपको अपडेट होना है किसी चीज़ से, तो उसके लिए क्या सजेस्ट किया है आपने? तो उसके लिए बैकअप क्लास है जो हर महीने 22 और 23 तारीख। तो खाली वन टाइम के लिए है, लाइफ टाइम के लिए? नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए फैसिलिटी आपको उपलब्ध। कोई फीस पे करना पड़ेगा आपको? नहीं, कोई फीस नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट, वन टाइम फीस है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम का बैकअप सपोर्ट। तो मुझे बताइए अभी फर्स्ट दिन से लेके अभी तक का सफर कैसा रहा है एशिया टेलीकॉम में आपका? मैं इससे पहले भी एक बार जुलाई में आया था जी जी। अच्छा, आप एक्स स्टूडेंट हैं, आगे है ना, आप यहाँ पे आए थे किसी कारण, बस आप यहाँ से चले गए थे, शायद आपका तबीयत ठीक नहीं था, है ना, फिर आप उसके बाद आप दोबारा से आए, तो उसका कोई फीस लगा क्या आपको? नहीं, दोबारा का कोई फीस नहीं लगता। दोबारा का कोई फीस नहीं लगता, क्योंकि आप जो दो चार दिन आप शायद बैठ के गए थे यहाँ पे, है ना, क्लास लेके गए थे, और उसके बाद दोबारा से आए, तो कैसा रहा अभी तक? अभी तक बहुत अच्छा रहा और मैंने बहुत ज़्यादा ही सीखा है जी जी, मैं कहूँगा जी जी। चलिए ठीक है, थैंक यू एशिया टेलीकॉम एंड थैंक यू देव सर, MD सर, मिलन सर। मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
सकते।